अरे मिस्त्री जी, हमारा दीवार सही हुआ कि नहीं सही हुआ? देखो बहुत सही कह दिया भैया। ये देखिए जो बता रहे थे दीवार, ये देखिए कितना अच्छा मोल्डिंग बनाए हुए हैं। ये देखिए पूरा मोल्डिंग यहाँ पे बन गया है। यही दिक्कत था, मेन इशू यही था। तो मिस्त्री बोले थे कि मतलब बना देंगे, तो मिस्त्री ने बना दिया भैया। तो ये गलत हो गया हम लोग से, जो कि हम मिस्त्री को बहुत गलत बात बोल दिए, और पापा भी गलत, पापा जा रहे हैं माफी मांगने के लिए, क्योंकि इनको भी दिखा दें कि आखिर में क्या मतलब सही हुआ कि नहीं सही हुआ है। ये देखिए तो गाइस पहले टोपी है रहे हैं, देख लीजिए कि कहाँ पे टोपी है। देखो अभी जो गाइस वेलकम बैक टू YouTube चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने जिंदगी में जबरदस्त होंगे। नहीं तो गाइस आज हमको वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि आप लोग को ये बताना था। क्या बताना था यार आप लोग को? अभी नहीं बताएंगे क्योंकि इसकी माँ का भोला चेहरा। अभी करते हैं नाश्ता, नाश्ता करने के बाद करते हैं पास्ता। पास्ता नहीं खाएंगे लेकिन कुछ तो जरूर खाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे। ये देख सकते हैं, ये देखिए नाश्ता। तो गाइस इनको आज मांगना पड़ा माफी। तो कर मेरे को जानता नहीं, किससे माफी मांगना पड़ा वो आप लोग को दिखाएंगे। ये बनना है हम लोग का नाश्ता, जो कि दुकान पे जाना है और लेके जाना है। Oh my God! Wow! Guys, थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग को वहां का सीन दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि क्या मैं बोलने वाला हूँ और क्या मैं करने वाला हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई साहब, जिस मिस्त्री की झगड़ा हो गई थी, जिस मिस्त्री से गलत हो गया था, वाल गलत हो गया था, वो मिस्त्री ने वाल को एकदम बढ़िया से चकाचक सही कर दिया है। तो आज इतनी खुशी मुझे आज है पापा को बोलना सॉरी, क्योंकि इतना अच्छा कर दिया जिसका जवाब ही नहीं है। आप लोग को नीचे दिखा दे रहे हैं कि आखिर में सही हुआ है या कैसे सही हुआ है, ये भी दिखाते हैं। और मिस्त्री से थोड़ा बात भी करेंगे, ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे। ये देखिए पूरा कूड़ा उड़ा है, ये देखिए ये घर है, ये देखिए एकदम से बर्बाद। इसको हम गोरू खोल दे रहे हैं। ये देखिए मिस्त्री जी प्लास्टर कर रहे हैं। अरे मिस्त्री जी, हमारा दीवार सही हुआ कि नहीं सही हुआ? देखो बहुत सही कह दिया भैया। ये देखिए जो बता रहे थे दीवार, ये देखिए कितना अच्छा मोल्डिंग बनाए हुए हैं। ये देखिए पूरा मोल्डिंग यहाँ पे बन गया है। यही दिक्कत था, मेन इशू यही था। तो मिस्त्री बोले थे कि मतलब बना देंगे, तो मिस्त्री ने बना दिया भैया। तो ये गलत हो गया हम लोग से, जो कि हम मिस्त्री को बहुत गलत बात बोल दिए और पापा भी गलत बात बोल दिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मिस्त्री ने कितना अच्छा सा सही कर दिया, इतना अच्छे से उतार दिया इसको कि क्या बताएं। आप लोग को दीवार देख सकते हैं जो गलत था, जो मोल्डिंग गलत था यहाँ पे, ये पूरा पूरे सहावल में जो पापा बोल रहे थे उसमें सहावल में उतार दिया। बोले थे कि अब नाप भी लीजिए, इससे नाप भी आप सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, एकदम बराबर है। तो वो चीज़ सही कर दिए हैं। फंटी वाला बोले थे ना पापा, इसीलिए फंटी वाला सब कुछ सही कर दिए हैं। ये देखिए अब काम भी कर रहे हैं। तो मतलब मिस्त्री अच्छे से हो जाएगा ना, अब पूरा ये जो ऊपर वाला है पूरा सही से हो जाएगा प्लास्टर, तब तो चलो ठीक है। अभी हम पापा को बुला दे रहे हैं, पापा को दीवी दिखा दे रहे हैं कि माफी मांगे आपसे, सॉरी बोले कि गलती हुआ था हमसे। तो हम उनको बुला दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। पापा को बुला रहे हैं, पापा जा रहे हैं माफी मांगने के लिए, क्योंकि इनको भी दिखा दें कि आखिर में क्या मतलब सही हुआ कि नहीं सही हुआ है। ये देखिए, देख लो मिस्त्री कितना अच्छा किया है, मोल्डिंग देखिए। अभी सो के उठे ना, देख लीजिए, ये देखिए, ये देख लीजिए आप। वाओ, वेरी डेंजरस। आप बताइए आप क्या कहने वाले हैं आप मिस्त्री को, इतना बात बोले थे मिस्त्री को, अब बताओ सही किया कि नहीं सही किया। देखो पूरा मोल्डिंग है, जो पूरा है यहाँ पे पूरा बन चुका है। अब बताओ सॉरी बोलो मिस्त्री को। चलो भाई मिस्त्री बात खत्म कर। हाँ, समझ रहे हो ना, सही काम करना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होने पावे। तो देख सकते हैं गुस्से में हमने बोल दिया उस दिन। पैसा नहीं कटेगा ना उनका, इसके लिए पूरा नहीं बनता। पैसा नहीं कटेगा ना उनका, पैसा देंगे ना पूरा उनको, बताओ पैसा देंगे यार, पैसे नहीं हो। हाँ तब चलो पैसा ही पैसा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
चलो ठीक है, तब तो चलो एक खुशी वाली बात है कि चलो मिस्त्री काम भी कर दिया और पैसा भी देंगे। ऐसा तो उस दिन खाली मैं उतना डायलॉग दे रहा था उसको। अच्छा, अरे देवा ये गड़बड़े बाबा। अच्छा अच्छा, उसको डरा रहे थे, मिस्त्री को डरा रहे थे आप? ऐसा तो डरा ही था। लेकिन मिस्त्री भाई साहब बहुत अच्छे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। मिस्त्री मतलब कोई गलत नहीं किए थे, लेकिन अब गलत हम लोग को लगा था, बाकी वो बोल रहे थे कि सही कर देंगे, तो वही सही हो गया। तो मतलब अब राजी हो, अब काम कराओगे नहीं से? अच्छा अच्छा, ये देखिए छत प्लास्टर हो रहा है पूरा। अब इसमें भी काम देखते हैं कि मिस्त्री कितना कंप्लीट में कितना अच्छे से करते हैं, ये भी देखेंगे। चलो ये तो बढ़िया है कि मतलब मान गए। देखिए हमारे जो कि मजूर जी हैं, देखिए कितना इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो, कितना मजूरी कर रहे हैं, कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, काम करने में फुल्ली एक्सपर्ट। क्योंकि देखो एक एक खत्म हो नहीं हो रहा है, दूसरा मंगवा रखे हैं। मुझे भी खुशी मिल गई, ऐसे नहीं कि नहीं खुशी मिल गई, क्योंकि मिस्त्री है यार, जानते हो आप लोग कितने मेहनत से ये लोग काम करते हैं, कितने अच्छे से काम करते हैं। तो यार माफ़ी करना भी जरूरी है, क्योंकि अच्छा से काम किया है तो माफ़ करना भी जरूरी है। जो भी मैं गुस्सा उस्सा हो गया था, वो चीज़ यार दिल से निकाल दो, क्योंकि गुस्सा तो भाई क्या करूँगा, ये पैसा लगता है ना, तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यार इसको हटाते हैं। अगर नहीं है कि चलो खुशी है कोई बात नहीं, लेकिन ब्लॉग को भी एंड नहीं करेंगे, क्योंकि कपड़ा भी पहनना है 1 2 3 वाला, तो कपड़ा भी पहनेंगे आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि नाश्ता भी करेंगे अभी, तो एकदम तो फुल वाला सब कुछ करके उसके बाद चलते हैं दुकान पर। थोड़ा सा वेट कीजिए, कैसा लग रहा हूँ? होप करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में ये, उसके बाद जब पता है आप लोगों को कि मैं क्या डालता हूँ तो वो चीज़ डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट, पहले भी दे पानी। ये क्या यार, इसमें आई नहीं। इसमें है पानी। गाइस पानी फिनिश, थोड़ा सा वेट, उसके बाद ये भी चेंज, इसके बाद चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद पहनेंगे जॉकेट, लेकिन थोड़ा सा वेट, वेट वेट वेट। तो गाइस कहाँ पे था मैं? जॉकेट पे था। फाइनली मेरा जॉकेट आ चुका है, जॉकेट पहनते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ऊपर करने के बाद उसमें हीरो लगता हूँ, तो हीरो लगता हूँ तो ठीक। ये क्या है? ठीक है, और नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं मेरी जान। तो मैं चलने वाला हूँ दुकान पे, तैयार हो चुका है मेरा सब कुछ, रेडी हो चुका है। ये देखिए फुल्ली एडिटिंग चल रहा है, तो ये एडिटिंग करने के बाद मेरी मम्मी जी ने मेरा खाना कहाँ पे रखा हुआ है, खाना कहाँ है ये देखिए, लग रहा है खाना इसमें है। अरे बाप रे बाप, इसमें खाना गजब बेइज्जती है, खाना लेके जाएंगे। ये देखिए सब कुछ हो गया है, पापा का हमारा जो कि जो ऐड का सिस्टम था नहीं आ रहा था, वो ऐड भी आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको झोरा हेरते हैं, झोरा किधर गया, झोरा किधर गया, मेरा झोरा ये है, बट इसमें लेके जाएंगे, झोरा दूसरे वाले में लेके जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग को दुकान पे चल के दिखा दे रहे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज आप लोग को दुकान भी दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो बंदे नए हो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि बिल्कुल भूलोगे तो बिल्कुल ही मैंने बनाने पाऊंगा वीडियो। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा और तगड़ा तगड़ा ब्लॉग दूंगा आप लोग को, घर का ही ब्लॉग दूंगा, और ज़्यादा पैसा आने लगा तो मैं मुंबई का भी ब्लॉग आप लोग को दूंगा। कुछ तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कुछ ही दिन बाद मैं जरूर दूंगा, लेकिन मेरे पापा का पहले सख्त होने दो, उसके बाद मैं आप लोग को मुंबई का ब्लॉग दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे आप लोग को दिखा दे थोड़ा सा वेट। गाइस मैंने भी चल रहे हैं दुकान पे, और देख सकते हैं खासा चला रहा हूँ गाड़ी, ऐसा नहीं क्योंकि ब्लॉग बनाना भी जरूरी है मेरे ख्याल, तो ऐसे देखिए ये है। तो गाइस ऐसे चल रहे हैं, कान फट रही है, कैसा हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, कहीं सामने कुछ हो जाए, लेकिन दुकान पे चल रहा है, आप लोग को ब्लॉग भी दिखा रहे जरूरी, इसीलिए आप लोग को ब्लॉग में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लाने के लिए एक हाथ से गाड़ी और दो हाथ से भी छोड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं कि दो हाथ नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं, नहीं मानता। ये देख सकते हैं आप लोग, मतलब पहुँचते दुकान पर उसके बाद देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा कि दुकान पर मेरे अच्छे से कस्टमर आए और आराम से मैं ब्लॉक कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग को वहाँ पे चल के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए यार, कहीं कहीं ज़्यादा ही ब्लॉक करने के चक्कर में पहन जाऊँ। गाइस थोड़ा सा वेट कीजिए, गाइस फाइनली दुकान पे आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग,
मैंने दुकान खोल दिया है और अब पूरा काम करना है, सब सब निकाल के सामान पूरा एकदम से बाहर रखना है, एकदम से बाहर तो भी करना है, लेकिन अभी मैंने बाहर दिया पूरा, देख सकते हैं उस सामने को कूड़ा पड़ा हुआ है, अभी बाहर आए सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सब सामान लगा दें, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं और कुछ क्या होता है मेरे लाइफ में, थोड़ा सा वेट। गाइस पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और हम दुकान उकान सब एकदम से लगा चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पूरा हमारा दुकान लग चुका है। और उसके बाद हम पूजा भी कर लिए हैं, पूजा की कंप्लीट कर लिए हैं और आप लोग को थोड़ा देर में दिखा दे रहे हैं क्योंकि भूल गए थे कि क्या बनाना है यार, कंप्लीट करना था बस बना नहीं पाए भाई। ये देख सकते हैं हमारा दुकान एकदम रेडी हो चुका है, बस अब देर है सिर्फ कस्टमर को आने के लिए। तो गाइस यहाँ से मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।